एक मिश्रा जी, मसला वही है, हम क्या इतिहास में क्या दर्ज कराना चाहते हैं कि जितनी बड़ी घटनाएं भारत में हुई जिनका गुरुत्व बहुत ज्यादा था, जिनकी व्याप्ति बहुत बड़े फलक पर थी, उन सब में चिंटू पकड़े गए। 20,000 आदमी जिसमें मर गया था एक ही रात में, उस घटना का मैंने जिक्र किया, यूनियन कार्बाइड का है, उसमें पता है कौन कौन लोग पकड़े गए, किसी को याद है? नहीं मिश्रा जी। अमिताभ जी देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात यह है ना कि हम नया इतिहास नहीं चाहते हैं, पीछे जो घटनाएं हुई उससे सबक लिए होते तो हम नया इतिहास लिखते। हम इतिहास में कुछ दर्ज नहीं कराना चाहते हैं, जो लिख गया इतिहास में जो चल रहा है वही रहेगा, हम अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, हम नया इतिहास नहीं लिखना चाहते हैं। आप देखिए, बहुत पहले हरिद्वार में भी कुंभ मेले में पूरा का पूरा पुल टूट गया था। सवाल सबसे बड़ा ये है, मुझे क्षमा करिएगा, किसी नेता को आप अपशब्द बोल दीजिए, आप देखिए 2 मिनट के भीतर जेल हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जहां पे आपको रासुका लग जाएगी। इतने कड़े सजा के प्रावधान इन सब चीजों में है ही नहीं, ये एक सामूहिक नरसंहार होता है। और अगर सामूहिक नरसंहार हो, चाहे बम से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने से हो, रासुका वगैरह सरकारें क्यों नहीं लगाती है यहाँ पे? अगर रासुका लगाएं 2-4 बार तो सारे कॉन्ट्रैक्टर को, मिश्रा जी, टीना शर्मा जी जुड़ गई, मिश्रा जी टीना शर्मा जी जुड़ गई, एक बार उनसे उत्तर ले लूं। बात ठीक कही मिश्रा जी ने, फेसबुक पर कुछ लिख दीजिए, ट्विटर पर कुछ लिख दीजिए तो तत्काल जेल हो जाएगी, लेकिन 150 से ज्यादा लोग मर जाएं और किसी का चेहरा सामने नहीं आ रहा। एक के मिश्रा जी, जिसके पास ठेका, जिसके पास इस पुल को चलाने रखने रखाने का मुकम्मल तौर पर जिस हक हकूक था, उस कंपनी का मैनेजर दार्शनिक अंदाज में ये कह रहा है इतनी बड़ी त्रासदी पर कि क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बहुत किए लेकिन भगवान को जो मंजूर था वो भगवान का किया। इससे बेहूदी बात, इससे दुष्टतापूर्ण बात कोई और हो सकती? एक और दूसरा, मैं जिसके लिए बहस लाया, क्या ये उस पूरी कंपनी का माइंडसेट नहीं भी इससे पता लगता है कि मर गए यार क्या करें? ये जो एक अप्रोच है, ये जो सोचने की दृष्टि है मिश्रा जी। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करता हूँ जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जान गवाई है वहां पे, दुखद घटना है जी। देखिए कितनी विडंबना की बात है, एक तरफ तो हमारा देश चिनाब नदी पे कश्मीर पे दुनिया का सबसे कठिन सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बना रहा है जिसको उपलब्धि में देखा जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की घटना, और कितना गजब का ये मैनिपुलेशन है, एक्ट ऑफ गॉड। इसकी जो डिफिनीशन होती है ना, इसको भी इन्होंने बड़ी चालाकी से घुमा फिरा दिया ताकि वो बच सके। भाई एक्ट ऑफ गॉड वो होता है जो भगवान ने किया, जो भगवान ने बनाया। भगवान ने धरती बनाई, भगवान ने हिमालय पर्वत बनाया, नदी बनाया, हिमालय पर्वत भरभरा के गिर पड़े तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक्ट ऑफ गॉड है। ये पुल तो भगवान ने नहीं बनाया ना, ये पुल तो एक कंपनी ने बनाया, इंसानों ने बनाया, तो इसकी इसका तोहमत, इसकी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर मत दीजिए। एक्ट ऑफ गॉड की जो डिफिनीशन है वो किसी भी अच्छे धर्म ज्ञानी से सुनेंगे तो समझ में आएगा, और इसका लावदा मत ओढ़िए। अब कोई नहीं मिल रहा है बहाना मारने के लिए तो भगवान को दोष मत दीजिए। जिन इंजीनियर, जिन कंपनी ने, ओरेवा को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये मेरे फील्ड की रही है, ये घड़ी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, ये सब सारी चीजें बनाते थे। जिस कंपनी ने ये बनाया है, जो इंजीनियर इसमें शामिल है, और जिस ऑफिसर ने बोला एक्ट ऑफ गॉड है, मैं चुनौती देके बोलता हूँ अमिताभ जी, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में एक झोपड़ी भी बनाई है ना, और 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए वो तब भी नहीं गिरेगा। आपने कभी सुना किसी इंजीनियर का बनाया हुआ 1 मंजिल 2 मंजिल का उसका मकान गिर गया भरभरा के? किसी ऐसे आदमी का जो इन सब कामों में है, बड़ी कंपनी है, उनकी मकान तो छोड़िए साहब, झोपड़ी तक उनकी नहीं गिरती है। तो एक्ट ऑफ गॉड दूसरे लोगों के लिए है, इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी।
होनी चाहिए टॉप टू बॉटम, और ये भी देखना चाहिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनी को क्यों दे दिया गया, क्या उनके पास ये आएंगे मिश्रा जी, एक बार दोबारा आएंगे।